नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर सीधे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि टोहाना में किसान जो गिरफ्तार किए गए थे, उनकी रिहाई को लेकर लगभग दो रातों से किसानों का आंदोलन टोहाना थाने में लगातार जारी है। देर रात किसान नेता राकेश टिकैत की भी वहाँ से तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब किसान नेता योगेंद्र यादव का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। जहाँ दो किसानों की रिहाई इस मामले में कर दी गई है, वहीं एक किसान जो है वो अभी भी जेल में बंद बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। जिसको लेकर किसान नेता योगेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया है कि 11 बजे टोहाना थाने के सामने जो किसानों की रैली रखी गई है, उसे फिलहाल स्थगित नहीं किया गया है। वो रैली जिस हिसाब से रखी गई थी, उसी हिसाब से होगी। और इस बयान में योगेंद्र यादव जो है वो आसपास के जिलों के किसानों से यह भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं आंदोलन की ताकत जो है उससे भी लोगों को वाकिफ करवाते हुए योगेंद्र यादव अपने बयान में दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन की ही ताकत है कि दो साथी रिहा कर दिए गए हैं, लेकिन एक साथी अभी भी जेल में बंद है। उसको लेकर प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और ना ही जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। ऐसे में टोहाना थाने के बाहर जो रैली 11 बजे रखी गई है वो उसी अनुसार होगी। अपील की है योगेंद्र यादव ने कि किसान साथी किसी भी तरह की अफवाह में ना आए। क्या कहना चाहते हैं योगेंद्र यादव, उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे दोनों किसान नेता भाई रवि आजाद और भाई विकास सीसर को पुलिस ने रिहा कर दिया है। ये होती है आंदोलन की ताकत। इतवार के दिन मजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट खोला, बेल दिया, आधी रात को जेल के दरवाजे खुले, रिहा किया गया, वहीं थाने में सुबह पहुंचाया गया। ये आपके आंदोलन की जीत है, लेकिन काम अधूरा है। हाथ ही निकल गया, पूंछ अभी भी बाकी है। हमारा तीसरा साथी मक्खन सिंह अभी भी जेल में है। उसके बारे में क्या रिलीज की व्यवस्था होगी, इसके बारे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। और विकास सीसर और रवि आजाद के केस को खत्म करने के बारे में भी प्रशासन की तरफ से कोई समझदारी नहीं बनी है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि टोहाना में आज 11 बजे जो रैली होनी है सदर थाने के सामने, वो जैसा तय हुआ था उसी तरह से होगी। नज़दीक के जिलों के सभी साथियों से अनुरोध है, किसी अफवाह में ना आए। 11 बजे वाली रैली हो रही है, आप उसमें पहुंचो। बाकी प्रदेश के थानों में घेराव करने का जो कार्यक्रम था वो संयुक्त किसान मोर्चा ने रद्द कर दिया है। तो सुना आपने कि योगेंद्र यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि 11 बजे टोहाना थाने के सामने किसानों की रैली जरूर होगी, उसे स्थगित नहीं किया गया है। ऐसे में इस रैली में किसान क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्या फैसले निकल कर सामने आते हैं, वो भी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मुहिम, सीपैप और बाईपैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम, समृद्ध समाज से भी लोग आगे आए और दिए गए नंबर 9315348688 पर संपर्क करें।